इस शख्स का ये हाल पुलिस की गोली खाने के बाद हुआ है, क्योंकि इस पर गौ तस्करी का इल्जाम है। मामला यूपी के सहारनपुर के गागलहेड़ी थाना इलाके का है, जहां पुलिस को गौ तस्कर शमशाद के आने की खबर मिली थी। पुलिस की भनक लगने के बाद आरोपी गन्ने के खेत में जा छिपा, जहां इनकाउंटर के बाद इसे गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि इस दौरान एक पुलिसकर्मी भी घायल हो गया। अभी कुछ देर पहले थाना गागलहेड़ी क्षेत्र में चौड़ा खुर्द के पास गोकशों से गागलहेड़ी पुलिस की मुठभेड़ हुई है। गागलहेड़ी पुलिस को एक सूचना मिली थी कि शमशाद नामक एक कुख्यात गोकश है, जो गन्ने के खेत में एक गोवंश को काटने जा रहा है, गोकसी करने जा रहा है। इस सूचना पे गागलहेड़ी पुलिस ने चारों तरफ से घेराबंदी की। जब उस गन्ने के खेत की तो बदमाशों ने पुलिस के ऊपर फायरिंग करना शुरू कर दिया। फिर भी पुलिस ने अपने को बचाते हुए, साहस का परिचय देते हुए चारों तरफ से खेत को घेर लिया। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की, जिसमें जो बदमाश था गोकस शमशाद को गोली लगी है, और वो गोली लगने के बाद भी भाग रहा था। पुलिस ने उसको घेराबंदी करके गिरफ्तार किया है। बदमाश की गोली से भी एक उत्तम नामक आरक्षी भी हमारा घायल हुआ, उसके बांह में गोली लगी है। दोनों घायलों को तत्काल अस्पताल भेजा गया। घायल आरोपी और पुलिसकर्मी दोनों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने आरोपी के पास से एक तमंचा, जिंदा कारतूस, कुल्हाड़ी और एक स्कूटी बरामद की है। उधर गौ तस्कर को जान जोखिम में डालकर गिरफ्तार करने वाले पुलिसकर्मियों को SSP आकाश तोमर की तरफ से 25,000 रुपए का इनाम दिया गया है। मौके पर देखा गया तो वहाँ पर एक गोवंश बंधा हुआ था। गोकसी के उपकरण, चाकू, टंगाई आदि वहाँ पे बरामद हुए हैं। इसके अलावा एक स्कूटी खड़ी थी, वो बरामद हुई है। बदमाश के पास तमंचा, जिंदा खोखा, कारतूस बरामद हुआ है। इस शमशाद साथी किस्म का गोकस है, जिसपे एक दर्जन मामले दर्ज है, गोकसी के, गैंगस्टर के, हत्या के प्रयास आदि के। तो काफी दिनों से इस तरह की सूचना इसके बारे में मिल रही थी, और आज एक बड़ी सफलता गागलहेड़ी पुलिस को मिली है इसकी गिरफ्तारी पे। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर द्वारा इसकी गिरफ्तारी पर पूरी टीम को 25,000 रुपए का नकद इनाम दिया गया है। दरअसल इन दिनों यूपी पुलिस अपराधियों पर नकेल कसने के लिए सख्ती बरत रही है। पहले किसी अपराधी को सरेंडर के लिए कहा जाता है, अगर वो नहीं मानता तो सीधे पुलिस एक्शन लेती है। हालात ऐसे बन गए हैं कि अब तक सैकड़ों अपराधी खुद थाने में सरेंडर कर चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नवदीप टुडे। खबरों की डोज नवदीप टुडे पर हर रोज।